बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। शनिवार की शाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। अब इस मामले में बहुत बड़ा दावा किया गया है, एक वीडियो आया है जिसमें दावा किया गया है कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी निशाने पर लिया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। Crimes is what they've done over 4 years in hiding. America par Laden ka attack. Trump par hamle ka Al Qaeda connection. शनिवार को अमेरिका दहल उठा। 9/11 के बाद अमेरिका पर यह सबसे बड़ा हमला है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई। जिस शूटर ने ट्रंप पर गोलियां दागी उसकी कुंडली खंगाली जा रही है, लेकिन एफबीआई के हाथों अब तक कुछ खास नहीं लगा है। हालांकि इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर अफगानिस्तान से दो अलग अलग दावे सामने आए और दोनों ही हैरान कर देने वाले हैं। और अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो 2001 में 11 सितंबर को ट्विन टावर पर हमले के बाद अमेरिका पर यह सबसे बड़ा आतंकी हमला। यह वीडियो 11 सेकंड का है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला पेंसिल्वेनिया में शनिवार की शाम अंजाम दिया गया, उसमें अफगानिस्तान की उन ताकतों का हाथ है जो अमेरिका विरोधी है और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, वीडियो में ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, आने वाले वक्त में जो बाइडेन को भी निशाने पर लिया जा सकता है। वीडियो में आतंकी रईस अजमल का दावा, ट्रंप पर हमले का आदेश तालिबान विरोधी नेता अहमद मसूद ने दिया, अब अगला निशाना जो बाइडेन और दूसरे अमेरिकी होंगे। वीडियो जारी कर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। दूसरे दावों में उस संगठन का नाम लिया गया जिसमें अमेरिका साल 2001 से ही लड़ रहा है। दूसरे दावे में उस संगठन का नाम लिया गया जिससे अमेरिका साल 2001 से ही लड़ रहा है। ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अलकायदा को लेकर दावा करने के साथ एक फोटो भी जारी किया गया जिसमें एक आदमी हाथों में हथियार लेकर खड़ा है। इस फोटो में जो शख्स दिख रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को अंजाम दिया। इस दावे के साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए और वो किसी भी जानकारी को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा इस दावे की सच्चाई को भी जांच के दायरे में लिया गया। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ साथ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क हिल गया है। सुपर पावर की सुरक्षा व्यवस्था धरी रह गई। 24 घंटे बाद भी एफबीआई के हाथ है खाली। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति पर हमला होता है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी दुनिया की सबसे तेज तर्रार माने जाने वाली जांच एजेंसी एफबीआई के हाथ खाली है। एफबीआई अभी भी जांच कर रही है। जिस हमलावर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोलियां चलाई थी उसकी पहचान तो हो गई, उसके घर और कार की तलाशी में बम बनाने का साजो सामान मिले, लेकिन अब तक
एफबीआई को यह नहीं पता है कि पेंसिल्वेनिया के बटलर में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में उन पर फायरिंग करने के पीछे मकसद क्या है। वहीं ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से भी वहां के लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां तक कहना पड़ा कि लोग इस बारे में अपनी थ्योरी ना बनाए, सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने दें। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्रदेश के 17 जिलों के हालात तो ऐसे हैं कि लगातार बारिश के बाद वो टापू में तब्दील हो गई हैं। घरों में पानी घुस गया है, अस्पताल जलमग्न है, स्कूल कॉलेज में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है, तो निचले इलाकों में रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जहां तक नजर वहां तक सैलाब। आफत में जीवन का मुसीबत बेहिसाब। झील बनते शहर, हालात बद से बदतर। बारिश के ब्रेक फेल, आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस वक्त आप कहीं भी देखें तो नजर आएगा सैलाब। उफान मारती नदियां, तेज आवाज से बहते झरने, खतरे को दिखाती नहरें और ब्रेक फेल बारिश के आगे मुसीबत के मारे जान जोखिम में डालते इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जगह है उत्तर प्रदेश का हरदोई, वही उत्तर प्रदेश जहां के 17 जिलों पर इस वक्त बाढ़ का साया मंडरा रहा है। पश्चिम में पीलीभीत से लेकर पूर्व में बलिया तक 20 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। उस हरदोई में बारिश के बाद उफान पर आई गर्रा नदी के तेज बहाव ने एक पुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले बोले ए गए। पुल आधा टूट गया, मगर इसके बावजूद लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुल से गुजरते दिखे। टूटी सड़क के नीचे से पानी की तेज धारा बह रही थी और ऊपर लोग जान को हथेली पर रखे अपना सफर तय कर रहे थे। हादसे के वक्त गनीमत ये रही कि वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था। पानी का तेज झोंका अपने साथ इस पुल को बहा ले गया। बोले बोले ए गए। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। राप्ती, सरयू, गंडक, रामगंगा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे तक पानी में डूब गया है। हाईवे पर पानी का ऐसा कब्जा है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल है। छोटी गाड़ियां पानी के तेज बहाव के आगे दम तोड़ रही हैं और नदियों के पास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। महाप्रलय के बीच तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दहला देने वाली हैं। ये उसी यूपी का दूसरा शहर उन्नाव है जो राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह शहर इस वक्त टापू की शक्ल लिए हुए है। खतरे के निशान को पार करके गंगा की लहरों ने आम जन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को नाव चलाकर दरिया रूपी अपने इस मोहल्ले को पार करना पड़ रहा है। उसी यूपी की ये तीन तस्वीरें भी देखिए। पहली शाहजहांपुर की है जहां मेडिकल कॉलेज पानी में डूबा तो प्रिंसिपल मरीजों के स्ट्रेचर को अपनी सवारी बनाकर पानी पार करते दिखे और मेडिकल कॉलेज के चार कर्मचारी स्ट्रेचर को खींचते नजर आए। वहीं सिद्धार्थनगर में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा तो बदायूं में एक दुल्हन को अपने ससुराल तक पहुंचने के लिए 4 फीट गहरे पानी में उतरना पड़ा। बैलगाड़ी के जरिए वो अपने ससुराल पहुंची। उधर इटावा में थोड़ी देर की बारिश के बाद एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से गुजर रही एक बस बुरी तरह से फंस गई।
बस डूबी तो उसमें सवार 20 यात्रियों की सांसें अटक गई। करीब 2 घंटे तक बस पानी में फंसी रही। बीते कुछ दिनों पहले पुणे के लोनावला में तेज पानी आने से 2 परिवार पानी में के बहाव में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कुछ इसी तरह का न्योता दे रहा है देहरादून रॉबर्ट्स केव का ये मामला। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देहरादून के रॉबर्ट्स केव की ये तस्वीरें बीती 23 जून की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। पर्यटकों से ठसाठस भरी इस केव में ये छोटा सा रास्ता है, जिससे लोग किसी तरह आ जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भीड़ इन दिनों फिर रॉबर्ट्स केव में देखी जा रही है और दूसरे प्रदेशों से आए लोग अपनी जान से खेल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों प्रदेश में बारिश हो रही है और आसन नदी का पानी कभी भी बारिश के दौरान बढ़ सकता है। कुछ दिनों पहले भी कई लोग नदी में फंस गए थे, जिनको SDRF ने रेस्क्यू किया था। वहीं न्यूज 18 से बात में टूरिस्टों ने बताया कि यहां किसी भी प्रकार की सेफ्टी नहीं है और पानी बढ़ते ही कोई भी हादसा हो सकता है। लोगों ने अभी गुच्छी पानी वहां देखा, काफी अंदर तक जगह है, अंदर तक 500 मीटर अंदर जाना है वहां पे, और कहीं कहीं पानी ज्यादा है, कमर से भी ऊपर है, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए वहाँ, लेकिन बाहर से ही घूम के चले हैं। कोई नहीं था भाई, कोई नहीं था, भीड़ है भीड़ है बस, और कुछ नहीं है यहाँ। हाँ ये तो है ही, खतरा तो बनेगा ही, भीड़ है, कोई बताने वाला नहीं है, पानी कब तेज हो जाए कुछ पता थोड़ी नहीं है। अंदर क्या, अंदर तो फंसने का है, कोई स्कूटी नहीं कुछ भी नहीं, अगर ज्यादा बारिश आ जाए तो मरे ही मरेगा आदमी। भीड़ बहुत ज्यादा भीड़। प्रशासन की तरफ से भी रॉबर्ट्स केव में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो पानी के बढ़ते ही सभी लोग को वहां से निकलने के लिए बोलते हैं। जब बारिश का ऐसा होता है, जो देखो हमारा जो आदमी है, वो आदमी हमारे इस केव के ऊपर 2 तैनात रहते हैं, वो हमें जैसे मौसम खराब ऊपर हो जाते हैं तो हमें वीडियो फोन द्वारा कॉल करके हमें ज्ञात कर पता बता देते हैं कि यहाँ मौसम खराब हो गया, तो हमारे 4 आदमी केप के अंदर जाकर सारे जितने में घुस रखे हैं उसके तुरंत ही हम आधा घंटा 20 मिनट पहले हम उनको खाली करवा देते हैं। हादसों को देहरादून का रॉबर्ट्स केव न्योता दे रहा है और किसी बड़ी घटना होने का भी शायद प्रशासन इंतजार कर रही है। देहरादून का ये पर्यटक स्थल है रॉबर्ट्स केव, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जबकि मौसम बरसात का हो गया है और यहाँ बारिश कभी भी ऊपर से आती तो यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, जिस कारण कई बार यहाँ यात्री फंसे भी रहते हैं और उनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में यहाँ पे पर्यटक पहुंचे हैं, जो कहीं ना कहीं एक खतरे को अलार्म दे रहे हैं। सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 देहरादून। हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद